अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम लोगों से मुखातिब हूँ कि ये इस दिन को, इस वाक्य को, सॉरी 7 डेज हो चुके हैं। बिलाल और मैं यहाँ लंदन में ही थे और बिलाल को किसी काम से पाकिस्तान जाना था। वो पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने दावा किया है कि मेरे शोहर बिलाल शाह को अगवा कर लिया गया है। हरीम शाह ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि शोहर बिलाल शाह गुज़श्ता हफ्ते लंदन में मेरे साथ थे, वो कराची पहुंचे तो उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने उठा लिया। टिकटॉकर हरीम शाह ने बताया कि अगवा के निशाहिदीन के मुताबिक डाली में आए अफराद बिलाल को उठाकर ले गए। हरीम शाह के मुताबिक, मुझे नहीं पता कि मेरे शोहर बिलाल शाह के अगवा में कौन लोग मुलव्वस हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त है कि मेरे शोहर को बाजियाब कराया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे शोहर का किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। शोहर की बाजियाबी के लिए कोर्ट में पटिशन भी जमा करा दी है। ज़राए के मुताबिक बिलाल शाह से हरीम शाह के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक पूछताछ की जा रही है। दूसरी जानिब हरीम शाह का मौकफ है कि मुतनाज़ा बातें फैलाने वाला अकाउंट मेरा नहीं, पता नहीं कि वो अकाउंट चला रहा है। आप इस चीज का पता लगाएं और एक मासूम, एक बेगुनाह इंसान जो किसी भी किस्म की इल्लीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है और जिसके पाकिस्तान के अंदर जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे किसी भी किस्म की FIR का न इससे पहले इंदराज था और ना अब है, और बेकसूर इंसान को इल्लीगल तरीके से अगवा करके चले गए हैं, इसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से दुआओं की इल्तमास करूंगी।